आज तारीख हो चुकी है 30 सितंबर। आज आईपीएल को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है टीम इंडिया के वार्म अप मुकाबले को लेकर। दरअसल टीम इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले कुल 2 वार्म अप मुकाबले खेलेगी। इन दो में से जो पहला वार्म अप मुकाबला होगा वो आज यहाँ पर टीम इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ हमें दोपहर 2 बजे से गुवाहाटी से यहाँ पर लाइव देखने को मिलेगा। तो आज टीम इंडिया का पहला वार्म अप मुकाबला होगा। स्पेशली इस मुकाबले में सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर पाएंगे, इसके साथ यहाँ पर सभी गेंदबाज गेंदबाजी कर पाएंगे। वार्म अप मुकाबले में यहाँ पर सभी 15 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। हालांकि फील्ड पर तो केवल 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान नंबर 10 तक बल्लेबाज रहेंगे और गेंदबाजी के दौरान 5 नहीं 6 7 8 गेंदबाजों का यूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज पूरे 15 खिलाड़ी एक साथ हमें खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप यहां पर वार्म अप मुकाबले के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर आज हाईएस्ट स्कोर रहेगा, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है श्रेयस अय्यर की तरफ से। दरअसल कल से पर सोशल मीडिया पर श्रेयस अय्यर यहां पर काफी अधिक ट्रेंड हो रहे हैं, जहां पर कल यहां पर अंपायर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, पाकिस्तान और यहां पर न्यूजीलैंड के मुकाबले में ये अंपायरिंग कर रहे थे। और जब से यहां पर दोपहर से इनकी फोटो सामने आई थी तब से ही लोग यहां पर इनको श्रेयस अय्यर से कंपेयर कर रहे थे। दरअसल इनका फेस यहां पर काफी हद तक श्रेयस अय्यर से मिलता है, इस वजह से इनको श्रेयस अय्यर के साथ लोग कंपेयर कर रहे थे। इवन कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर यहां पर अंपायरिंग कर रहे हैं, यहां पर टीम इंडिया के मुकाबले से पहले वार्म अप मुकाबलों में श्रेयस अय्यर अंपायरिंग कर रहे। हालांकि ये श्रेयस अय्यर नहीं है बल्कि यहां पर महाराष्ट्र के ये यहां पर अक्षय टोटरे हैं। कल इन्होंने अंपायरिंग का डेब्यू किया, केवल वार्म अप मुकाबलों में अंपायरिंग करेंगे, इसके साथ ही इसके बाद अगले आईपीएल एडिशन में या आईपीएल में भी यहां पर अंपायरिंग करेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको इनकी अंपायरिंग आखिर कैसी लगी, और आपके अकॉर्डिंग क्या ये भी श्रेयस अय्यर के समान दिख रहे या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम ने अब माइक के जाने के बाद कल फाइनली अपने नए डायरेक्टर की अनाउंसमेंट कर दी है। दरअसल यहां पर इंग्लैंड के मोहम्मद बोबेट अब इस टीम के यहां पर नए डायरेक्टर बन चुके हैं, जहां पर काफी कम एज में काफी बड़े ओहदे पर काफी बड़े पद पर आ चुके। इसके साथ ही यहां पर मोहम्मद बोबेट ने यह तक कहा है कि वो आरसीबी की टीम में ऐसे चेंजेस करेंगे जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इस ऑक्शन में ऐसे वो चेंजेस करेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। इसके साथ ही इन चेंजेस से आरसीबी की टीम को काफी अधिक फायदा होगा, इस प्रकार का इनका स्टेटमेंट है। तो यहां पर आरसीबी की टीम का यहां पर कोचिंग स्टाफ कंप्लीट हो चुका है, जहां पर इस टीम के नए कोचेस तय हो चुके, नए डायरेक्टर कंफर्म हो चुका, और फेफ डुप्लेसिस यहां पर इस टीम के लिए आईपीएल 2024 के एडिशन में कप्तानी करते हुए दिखेंगे। शायद उनका आखिरी आईपीएल एडिशन ये यहां पर रहने वाला। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहां पर मोहम्मद बोबेट को यहां पर डायरेक्टर बनाने का ये आरसीबी का आपको सही फैसला लगा है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है यहां पर मोहम्मद बोबेट की हिस्ट्री को लेकर। दरअसल आरसीबी की टीम ने इनको डायरेक्टर बनाए, कुछ लोग आरसीबी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आरसीबी ने इसके पीछे काफी रिसर्च करी थी। दरअसल मोहम्मद बोबेट पिछले यहां पर 7-8 सालों से यहां पर इंग्लैंड की टीम के साथ है। दरअसल 2016 से ये इंग्लैंड के साथ है, और पिछले यहां पर 7 सालों में इंग्लैंड ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, टी20 वर्ल्ड कप जीता है, और यहां पर इंग्लैंड काफी फियरलेस क्रिकेट खेलता है, जहां पर इंग्लैंड रिसेंटली काफी अधिक यहां पर 400 रन वनडे में स्कोर कर चुका। तो इसके पीछे यहां पर इनका भी हाथ है, इन्होंने भी यहां पर इंग्लैंड को काफी हेल्प करी है। तो इस वजह से आरसीबी की टीम ने इनको अपनी टीम में शामिल किया। तो यहाँ पर इंग्लैंड की स्ट्रेटजी आरसीबी की टीम को काफी अधिक पसंद आई, इसी वजह से यहाँ पर मोहम्मद बोबेट को अब इन्होंने अपनी टीम में यहाँ पर शामिल किया। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम को भी यहाँ पर इंग्लैंड की तरह आईपीएल में फियरलेस खेलना चाहिए या फिर नहीं, क्या यहाँ पर आरसीबी की टीम को 250 रन यहाँ पर बनाने चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है अक्षर पटेल की तरफ से। दरअसल आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर अक्षर पटेल की इंस्टाग्राम स्टोरी देख पा रहे हो, जहां पर कल इंस्टाग्राम पर अक्षर पटेल ने स्टोरी डाली थी। हालांकि स्टोरी डालने के लगभग 10-15 मिनट में इन्होंने ये स्टोरी यहां पर डिलीट कर दी थी। 2 स्टोरी लगातार इन्होंने पोस्ट करी थी, उसके बाद इन्होंने काफी कम समय में ये डिलीट भी कर दी थी। लोगों का यहां पर ये रिएक्शन था कि अक्षर पटेल को बिना इंजरी के टीम से ड्रॉप कर दिया गया, इंजरी को केवल एक बहाना बताया गया, इस वजह से ये यहां पर गुस्सा थे, इस वजह से ये सैड थे, इस वजह से इन्होंने ये स्टोरी पोस्ट करी। इससे पहले यहां पर लगातार 2 वर्ल्ड कप का ये भाग रह चुके, एक वर्ल्ड कप में इनको बाहर किया गया था, उससे पहले वाले
वर्ल्ड कप में ये केवल बेंच पर थे, इस साल वर्ल्ड कप में दोबारा सेलेक्ट हुए थे, दोबारा इनको बाहर कर दिया गया। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या अक्षर पटेल को टीम में कंटिन्यू रखना चाहिए था या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली कल नेट्स में यहाँ पर सिराज के अगेंस्ट बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सिराज की एक बॉल काफी अधिक बाउंस हो गई थी और विराट कोहली के यहाँ पर हाथ पर और ग्लव्स पर वो बॉल लग गई थी। उसके बाद विराट कोहली लगभग आधे घंटा नेट से बाहर चले गए थे। हालांकि दोबारा नेट्स में आकर इन्होंने यहाँ पर कुछ देर बल्लेबाजी करी थी, दो तीन ओवर इन्होंने बल्लेबाजी करी थी। हालांकि हो सकता है आज प्रैक्टिस मुकाबले में विराट कोहली बल्लेबाजी ना करे, जहाँ पर विराट कोहली अब डायरेक्टली हो सकता है दूसरे प्रैक्टिस दूसरे वार्म अप मुकाबले में बल्लेबाजी करे। आज हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही यहाँ पर बल्लेबाजी ना करे, तो कुल मिलाकर हो सकता है आज विराट कोहली अपनी इंजरी की वजह से बल्लेबाजी ना करे। विराट कोहली की इंजरी शायद इतनी बड़ी कंसर्न नहीं है, लेकिन आज विराट कोहली को रेस्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल कोलकाता की टीम ने भी अब मन बना लिया, फाइनल डिसीजन बना लिया कि गौतम गंभीर को ये टीम यहाँ पर डायरेक्टर बनाएगी, कोलकाता के डायरेक्टर का पद देगी, जहाँ पर मेंटोर ये लखनऊ के साथ पे मेंटोर से भी ऊपर का अब इनको पद मिलेगा। तो कुल मिलाकर कोलकाता की टीम में अब डायरेक्टर का गौतम गंभीर को पद मिलने वाला है। गौतम गंभीर ही कोलकाता के सारे डिसीजंस लेंगे, कोलकाता की टीम को कौन से प्लेयर्स को रिलीज करना है, कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना है, किसे आखिर कप्तान बनाना है, अय्यर के साथ कंटिन्यू रहना है या फिर नहीं, सारे डिसीजंस अब गंभीर को लेने होंगे। तो कुल मिलाकर गंभीर अब जल्दी कोलकाता के डायरेक्टर बनने वाले, जल्दी इस बात की अब ऑफिशियल पुष्टि होने वाली। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या कोलकाता का ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है यहाँ पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को लेकर। दरअसल कल हुए प्रैक्टिस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया था और काफ़ी अच्छी शुरुआत इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड कप की करी। हालांकि यहाँ पर प्रैक्टिस मुकाबलों का मेन टूर्नामेंट से कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन इन टीमों को काफ़ी अच्छा फॉर्म काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल चुका है। आज भारत इंग्लैंड का, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का अब वार्म अप मुकाबला होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग दोनों मुकाबले होने वाले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज के दोनों मुकाबलों में कौन सी टीमें जीतेगी, क्या रिजल्ट्स आखिर दोनों मुकाबले करेगा। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे अपडेट सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।